सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं बच्चे? ठीक है अल्लाह का, बच्चे तो अभी फ्यूचर में ही होंगे तो कोई आइडिया नहीं है कैसे हैं। अच्छा कोई नाम सोचे बच्चों के? जी जी बेटे का नाम इंशाल्लाह शमीर रखना है और बेटी का नाम फातिमा। हाँ बेगम प्यारी सी मिल जाए तो और मजा आ जाए। बेगम का क्या रखना है? बेगम का जो उसके अम्मी अबू ने प्यार से क्या बुलाएंगे? प्यार से जानू ही कहेंगे। ओ देखो भाई हम वहाँ खड़े थे, ठीक है हम यहाँ से गुजरते हुए आए, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाते हो और फिर ये नीचे आ जाते हैं देसी ढाबे। भाई फुल देसी निजाम है इन ढाबों का, ठीक है। एक तरफ ये ढाबा, देखो भाई बात ये कि हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी। और बॉयज बॉयज आप में से सबसे पहली बार लाइब्रेरी कौन जा रहे हैं? आप भाई ये लाइब्रेरी अंदर से, ठीक है। तो भाई रेटिंग वाली जो बात है, जो हमारा रेटिंग कैलकुलेटर है उसके हिसाब से हम फास इधर जोर लगा के फास को नंबर देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आज की इस वीडियो करते शुरू है फास्ट यूनिवर्सिटी का पार्ट टू। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि फास्ट यूनिवर्सिटी हमने एक्सप्लोर की थी और लोगों के साथ इंटरेक्शन थोड़ा बहुत हुआ था, बट इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो, और अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, और एंजॉय करें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा खैर हम जानू मानू को छोड़ते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा। सर आप यूनिवर्सिटी को कितने नंबर देंगे 10 में से? ये देखिए मेरा तो अभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से क्या रेट करेंगे? तो अभी टीचर्स भी हमारे कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, और कुछ का तो आप ना ही पूछे लेवल ये लगा। तो यूनिवर्सिटी के मार्क्स जो है ना 10 out of 7 मार्क्स देंगे आप इस यूनिवर्सिटी को। सही सही सही, ठीक हो गया। और ये बताएं कि आपने ना ये बंदा थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने हमें इस एरिया के बारे में भी बताया जो कि बिल्कुल नीचे है, और ये यहाँ का डेटिंग एरिया ये आपने ही मुझे बताया, और आपने खतरनाक बातें भी की हैं। तो मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बात बताऊंगा, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं लड़कों के इंस्टाग्राम पे कि वासिफ भाई फलानी यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, सीरियसली ये मैसेज आता है। तो भाई आप मुझे बताएं उन लड़कों को आप जवाब देंगे यहाँ का माहौल कैसा है? देखें जो क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं, जिस टाइप का कर रहे हैं, वो मैं भी आपको बताने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दुख दिल में ना बहुत दुख है, क्या करें अब बता नहीं सकते। हर बात इसने दुख झेल लिया, बता नहीं सकते। बस मेरा तो यही मशवरा है कि आए उर्दू यूनिवर्सिटी में ही आए, जैसा माहौल वो चाहते हैं उनको इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम इधर ही हैं। हाँ। कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर, और कुछ ना मिला तो भाई मिल जाएंगे इतने अच्छे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहने भी यहाँ पे बहने भी बहुत मिलती हैं, बहने भी मिलती हैं। आपको मिली हैं? बहुत बहने मिली हैं, माशाल्लाह बहने ही मिली हैं, सब ये बहने मिले। देखिए हम लोग, मेरा ताल्लुक जो है ना पंजाब से है, मैं पंजाब से इधर हम लोग शिफ्ट हुए थे पढ़ने के लिए, अब मैं शहर से गाँव आता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। लोग शहर से गांव से शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है, हम सारे शहर से गांव आते हैं पढ़ने के लिए। क्या बात है सर, देख लो भाई पीछे गांव है सारा। लेकिन भाई मैं तो यूनिवर्सिटी के जो नंबर है वो तो मैं आखिर में दूंगा। अच्छा भाई बात ये कि हम इन दोनों से पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये कि इन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया था, तो क्रेडिट गोज टू, इंग्लिश में कहना चाहता था ये दो लड़कियाँ, लेकिन कोई कमेंट बता देना क्या होता है, ठीक है। इन दोनों को क्रेडिट जाता है, दीज टू गर्ल्स, ओके, इन दोनों को क्रेडिट जाता है। इनके चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक देम आउट एज वेल। चावी क्रू, यस ओके, इससे ज्यादा नहीं आता हमें वो नहीं आई है। इनकी छोटी बहन है, बाय द वे ये दोनों बहनें, और इनकी छोटी बहन है तीसरी, उनका नाम क्या है? क्या नरमीन? ओके ओके ओके, खैर वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे मेन बात मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी है देहाती एरिया में, यही बात है। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये क्वेश्चन है कि भाई शहर का और जो देहात का माहौल होता है ना, वो जमीन और आसमान का फर्क होता है, ठीक है, यही बात है। और शहर में होता है लड़कियाँ इंडिपेंडेंटली ईजी सीन होता है, बट गाँव में थोड़ा सा उस हिसाब से लिमिटेड हो जाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, लोगों की डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती हैं, तो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक अलग बात है, लेकिन बाहर जाओ तो गांव वाला ही माहौल है, तो वो चीज़ आप लोगों को मुश्किल नहीं होती क्या किसी भी सेंस में, लाइक किसी भी मतलब उसमें? नहीं नहीं बिल्कुल, इजी सीन है, बहुत इजी सीन है। ये नहीं कि अब गांव में तो गांव के ही लोग आते हैं, नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी से बाहर जाओगे ना, जिस तरह कैफे है तो वो भी यहाँ से बाहर है, तो वहाँ जाके जब आप बैठोगे तो कोई लोकल या किसी सेंस में हो जाते हैं अनकम्फर्टेबल, मतलब एज फार एज आप यूनिवर्सिटी में तो कोई इशू नहीं है, बाहर नहीं, जाओगे नहीं, तो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली ये कहीं भी हो तो हो सकता है, मतलब कि नो ऑफेंस टू गांव, पाकिस्तान के किसी भी एरिया में अगर देहाती इलाके में यूनिवर्सिटी होगी तो बाहर जाके थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे शहर का कल्चर होगा अंदर बाहर दूसरा होगा, है ना। और उसके अलावा एक अच्छी बात है यहाँ की और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि ज्यादातर जो टीचर्स है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब कि अच्छे बच्चे जो होते हैं जाहिर सी बात है वो तो भाई ना पढ़ने के बराबर है, ये अपने बॉयज को आप टोंट मार रही हैं, ना पढ़ने के बराबर है, नहीं सच्ची बात है जो है। लेकिन जो गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है,
और माहौल बहुत अच्छा है, आप इधर आए सुकून से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी कोई मतलब कोई आपको ये नहीं होता कि आपको वो आके कुछ कहे या कुछ, और बहुत अच्छा माहौल है और टीचर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, पढ़ने वाले बच्चे निकल जाते हैं। एक मिनट देखो, एक जो बड़ी मुझे अलार्मिंग बात लग रही है, आप नंबर लेने के चक्कर में तो नहीं है कि कोई टीचर देख लेगा और पीपी आ जाएगा? सही पकड़े हैं अच्छा टीचर्स की, बस ऐसा बच्चा ही फेवरेट होता है जो टीचर्स की तारीफ करता है, हम आप पे आते हैं। मुझे आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ के? वेल अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो ठीक है, 3 महीने हुए 4 महीने हुए। सही है, अभी आपका पहला सेमेस्टर है। अगर आपको मैं बोलूं कि आप मतलब कि आपको दोबारा एडमिशन वाले टाइम पे बंदा ले जाए, जस्ट इमेजिन, तो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो तो आप तब एडमिशन कहाँ लेंगी? लाइक आप तभी यहाँ लेंगी या आपका कोई छोड़ भी होगा? अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, सही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना गिटार वगैरह अलाउ नहीं करते। गिटार अलाउ नहीं करते? गिटार अलाउ नहीं है यहाँ पर, कैमरास अलाउ नहीं है ना करें, ना बैडमिंटन, ये लूडो वगैरह अलाउ नहीं है। कहते हैं कि ग्राउंड यूनिवर्सिटी के पास ग्राउंड है वहाँ पे खेले। यार गिटार भी अलाउ नहीं है? देखो यूनिवर्सिटी में गिटार ना हो तो वो तो मजा ही नहीं रहता, और इवन आप तो मीडिया वाली भी, आपको तो होना चाहिए। बट रेक्टर साहब अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एडवाइस की जाती है कि बच्चों को अलाउ करें कि गिटार ले आए। चले अब हम कहाँ जाएंगे? माल रोड देखेंगे जाके यहाँ की। अब फिलहाल इन्होंने माल रोड डिसाइड नहीं किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ है, तो दो चांसेस हैं, या तो ये इस जगह को माल रोड डिक्लेयर करेंगे या फिर ये इस मिरर के पार जो रोड है उसको। तो अब हम आज डिसाइड करके जाएंगे माल रोड कौन सी, ही बात है, चलो लेट्स गो। देखो भाई फाइनली काफ़ी समय के बाद हमें यहाँ पे एक बड़ी क्लास मिली है देखने के लिए, सही है। नॉर्मली क्लासेस ऐसी हैं सारी? ओके, और देखो जो काम की बात है, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे, बट फिलहाल यहाँ पे प्रोजेक्टर मिसिंग है, बट लग जाएगा। यूनिवर्सिटी थोड़ा अरसा हुआ बने हुए, ये बात है, यहाँ पे शिफ्ट हुए, स्क्रीन लगी हुई है, क्या बात है, ये खोल के दिखाएं। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब ये ऊपर कैसे होगा? ओ भाई भागने की करो भाई। देखो बाजी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, पीछे जनरेटर चल रहा है तो शोर बहुत है, लेकिन बाजी है कि ये यहाँ के कैंटीन वाला एरिया, तो भाई कैंटीन बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो सच्ची बात है, उस तरह की नहीं है ना, लेवल नहीं है अभी, लेकिन बनेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बनेगी। यूनिवर्सिटी अभी बन रही है क्या? बैठने की जगह भी कोई नहीं, बैठने की जगह नहीं है, खाओ, जब अगर कोई चेयर पे लड़की बैठी भी है तो उसके साथ आप बैठ नहीं सकते, देखना पड़ता है, दिल दुख रहा है भाई का, दिल दुख रहा है। अच्छा बीच का मसला यही है, बैठ सकते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इनको बैठाता नहीं है। ओह माय गॉड, ये बात है, ये दुख है बस यार। ओहो, लेकिन बात ये की देखो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, तो कैफेज अभी उस तरह एस्टेब्लिश नहीं हुए, छोटे छोटे हट से यहाँ पे, यही बात है, ये जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं, तो भाई ये मैं आपको ना ही दिखाऊँ तो बेहतर है। अच्छा कोई नहीं दिखा दें, दिखा दें, चलो देख लो। अब हम दूसरा ढाबा देखेंगे जो यहाँ का मेन ढाबा है, जो की यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा साइड पे है, अच्छी जगह है, देसी लवर्स के लिए, पराठे अच्छे हैं वहाँ के, मैंने चखे हैं, मतलब ठीक थे, अच्छे थे, आपने खाए? हाँ, चले देखते हैं, चल के वो ढाबा, देसी ढाबा देखेंगे। देखो भाई हम वहाँ खड़े थे, ठीक है, हम यहाँ से गुजरते हुए आए, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाते हो और फिर ये नीचे आ जाते हैं देसी ढाबे, भाई फुल देसी निज़ाम है इन ढाबों का, ठीक है, एक तरफ ये ढाबे और एक तरफ वो ढाबे, और वही बताओ क्या सीन है, चाय आती है देसी ढाबों पे या नहीं? मज़ा आ जाता है यार, इनके पराठे इतने खीर के होते हैं, चाय थोड़ी देर पहले मैंने कहा पराठे अच्छे, इन्होंने कहा तो आप पूछे ही ना, मैंने कहा पराठे इतने अच्छे और ये कहते हैं कि आप वीडियो के लिए गए थे, हमें तो अच्छे नहीं लगे, वैसे ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि आप बताएं खाने अच्छे ढाबों, खाने बस नॉर्मल है, जो देसी है ना वो यहीं से खाता है, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो कहता है बस यार यहीं से पराठे खाओ, चने खाओ। आप कहाँ से खाते हैं? मैं जो हूँ बर्गर बच्चा, बर्गर 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 बर्गर, तो बस मैं जरा फास्ट फूड लवर हूँ, इस वजह से कम ही खाता हूँ, लेकिन खाता हूँ पराठे, फास्ट फूड या फास्ट फूड, बस ये फास्ट फूड पिज्जा बर्गर खाते हैं। ओके अच्छा, और बस यही था, और एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, देखो ये जो आपको बसेस नजर आ रही है ना, ये जो सारी खड़ी है, इन्हीं बसेस की बात की थी इनमें से किसी ने? जी जी, ये आपने बसेस नहीं है, जनाजा है, जनाजा है, हम इनमें कलमा बैठ के बैठते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह घर तक पहुंचा दी जिंदाबाद। देखो यूनिवर्सिटी वालों के पास बसेस थोड़ी थी, इन्होंने ये अड्डे वाली बसेस ले ली है, अब ये बसेस यूनिवर्सिटी की अपनी है, मतलब ऑफिशियल बसेस है भाई, लेकिन रेंट पे, रेंट पे,
रेंट पे सही है बट यूनिवर्सिटी में यूज हो रही है। और एक और बात है कि देखो आप ना अगर मेन गेट से एंटर नहीं होने दे रहे, कोई नया बंदा विजिट करने आता है वहाँ से घूम के आएगा यहाँ से चढ़ के एंटर, कोई पूछेगा ही नहीं, यही बात है। गेट पे भी नहीं पूछते, गेट पे भी नहीं पूछते, गेट पे भी नहीं पूछते, हम आते हैं हमसे आजकल कभी कभार पूछ लेते हैं कार्ड चेक करा है आराम से बता रहा हूँ ये बात क्योंकि ये जरा पर्सनल बात है ना। देखो यूनिवर्सिटी में घुसने का एक एटीट्यूड रखना है आपने, अपने मॉल में रहो फुल एक ग्लासेस ब्लैक कलर की पहन लो। एक मिनट इधर मुड़े, एक मिनट भाई, ये हमें ना फुल तरीका कहेंगे आप किस तरह यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकते हो आपने अगर विजिट करनी है, बताओ जी क्या सीन है भाई। आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तुम क्या तो इतने आते रहो लेकिन वीडियो तो बन रही है उसने तो वायरल ही होना है। चलो ऊंचा बोले फिर ऊंचा बोले। इसमें जो है ना असल में ये जरा पर्सनल बातें होती है ना, तो आपने बताया एक 150 की ऐनक लेनी है ठीक है वो पहननी है, बाल आपने जाने हैं नाई के पास 100 रुपये वहाँ खर्च करना है ठीक है, खड़े कर लिए बाल आप, उसके बाद आपने फुल अपने मॉल में 70 पीके का मारना है और फुल मॉल में ऐसे बन के आना है कि जैसे आप जो है अम्मा के शाहरुख खान हो ठीक है, उसके बाद आप गार्ड को इस तरह सल्यूट मारो कहे वाह यार बड़ी हस्ती आ गई है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में घुस जाओ, उसके बाद घूमो फिर चिल मारो, यूनिवर्सिटी चेक करके जाओ है ना, लेकिन आगे किसी को तंग नहीं करना, बहुत मार पड़ती है, बहुत मारते भी हैं वो जो है ना, वो बहन के भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे तस्ती पहुंच जाते हैं, सबसे जो लाइन में मारने आएंगे सबसे आगे ये होंगे। मुझे ज्यादा देखो भाई ये गेट है यहाँ से आप एंटर होते हो ठीक है, इस तरफ इस ब्लॉक के पीछे पार्किंग है वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, ये माल रोड है जो आती जा रही है वो सीधा आगे तक जाती है, तो यहाँ पे बेसिकली ज्यादा रश जमा होता है इसलिए हम इसको माल रोड कह रहे हैं। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी हम लाइब्रेरी देखने जा रहे हैं। क्या इतनी देर से माल रोड गए थे? माल रोड ही थी ना। अच्छा इनको खुद नहीं पता था माल रोड कौन सी, क्योंकि इन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा हम डिसाइड करके जाते हैं, यही बात है जी। नहीं नहीं देखिए माल रोड उधर गेट के बाहर से शुरू होता है हाँ। और बसेस से 10 मिनट पहले वहाँ पे रौनक होती है। अच्छा अभी तो खाली, अभी तो बस कुछ भी नहीं है, अभी इसको माल रोड ना कहे। अच्छा हाँ, वो माल रोड इसकी फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स टाइमिंग होती है इसकी भी, एक फिक्स टाइमिंग। ओह माय गॉड, लेकिन अभी हम लाइब्रेरी देखेंगे। देखो भाई बात ये कि हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी, और बॉयज बॉयज आप में से सबसे पहली बार लाइब्रेरी कौन जा रहे हैं? मी। आप और कोई है जो पहली बार जा रहे हैं? आप भी पहली बार जा रही हैं? ओके दूसरी बार जा रही है, ये तो रोज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने लगे, लाइब्रेरी आज तक नहीं देखी, नहीं देखी आज तक, आज देखेंगे। देखो भाई बेसिकली लाइब्रेरी ये इस ब्लॉक के टॉप फ्लोर पे है, और जाहिर इतनी दूर है कैसे बेचारे बूढ़े बूढ़े हमारे भाई चढ़ के जाएंगे, यही बात है, मुश्किल हो जाते हैं। उम्र होगी आप तो, उम्र होगी, शादी की उम्र होगी, घर वाले कराते नहीं है, यूनिवर्सिटी कहते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, इसके घर वाले सुन से हाँ प्लीज आंटी प्लीज शादी करा दे, लड़का मजबूर मेरे पापा को बोले, पापा को बोले, मामा ने मैसेज और नाना नहीं, पापा को नहीं यार, मामा को बोले, नाना बू को बोले, किसको बोले आप बताएं, पापा को बोले, पापा को बोले, पापा को ही बोले, बोल दें। और एक और मैसेज नाना बू को बोले, उनकी अब उम्र होगी है, वो आल्टो मेरे नाम कर दे प्लीज। खवातीनों हजरात ये यहाँ का पार्किंग एरिया जो कि बहुत ही विशाल किस्म का है, और जो अच्छी बात मुझे यहाँ की लगी है अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अंदर ला सकते हो भाई, ये बहुत अच्छी बात है। क्या नहीं हमारी मतलब पार्किंग यूनिवर्सिटी के बाहर है, सिक्योर होती है वो भी, बट अंदर लाने के लिए भाई देखो हम लोग फाइनली सक्सेसफुली यहाँ के ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं, और यहाँ कोई भी नहीं है तो हम अपना राज है यहाँ पे, अपना राज है, ना कोई टीचर है ना कोई सियापे, तो भाई देख लो ये सीन है यहाँ के ऑडिटोरियम का, मेन ऑडिटोरियम यही है भाई, ये देखो ये लाइब्रेरी है, हम शोर बिना शोर के अंदर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, वन बाई वन चलते हैं अपना अपना, जाके हम प्रिटेंड करेंगे एक दूसरे को जानते ही नहीं है भाई। ये लाइब्रेरी फ्रॉम इनसाइड कैसी है, पहली बार आई है? ओके आप आती हैं? ओके हेलो, इससे पहले कि बेइज्जत हो जाए हम निकलेंगे, भाई ये लाइब्रेरी अंदर से ठीक है। हेलो हेलो क्या हाल है? थोड़ा सेट है वो भी है, हेलो जी कह रहे हैं चलो शोर नहीं करो भाई, हमारा भाई लाइब्रेरी से पिज्जा तो क्या है, क्या हुआ? मैं जिंदगी में पहली दफा लाइब्रेरी में गया, मुझे शौक था स्लोमो बनाने का लाइब्रेरी में जाते हुए, मैं गया मैम, मैम कहती है वीडियो क्यों बनाई, मेरे उधर बोले नहीं बोल रहा, कहती है वीडियो दिखाओ, मैम कहती चले बेटा कोई बात नेक्स्ट टाइम ना, ज्यादा कुछ हुआ होगा या पता नहीं ना, मेरे से तो होंगे ज्यादा, यही बात है, जारी सी बात है, कुछ हो रहा है, चलो इधर हम भी हो जाएंगे, चलो लेट्स गो।
खवातीन आजाद, ये थी फवास यूनिवर्सिटी, यहाँ जोर देके फवास्ट, ओके यही बात है। आप हमें सिखाएं आपको इंग्लिश आती है, फवास्ट, ओके। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा मेरा पहले क्या इंप्रेशन था आने से पहले और आने के बाद क्या है। तो भाई जो ऑनेस्ट बात है ना, मैं बताऊंगा कि बींग अ पाकिस्तानी ना, हमारे पाकिस्तान में इस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल है तो वो अच्छा नहीं होगा, ये बात है, सब ने एक्सपीरियंस की होगी, यही बात है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं होता, लेकिन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है तो लोग सोचते हैं कि अच्छी नहीं है। इवन मेरे दिमाग में भी ये था कि बस ठीक है एवरेज होगी, लेकिन ऑनेस्टली बताऊंगा ना कि मैं नमल में पढ़ता हूँ और मुझे नमल में इसमें कोई खास फ़र्क नहीं लगा, मतलब मुझे जिस तरह वो मज़े की लगती है उसी तरह का इंप्रेशन मेरा इसके बारे में बना है। आप सुन रहे हैं ना, इनके दोस्त कहाँ पढ़ते हैं ये लोग, नमल में पढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई यूनिवर्सिटी भी बिल्डिंग वाइज या उस हिसाब से ना वो मैटर ही नहीं करती, बात जो होती है कि अपनी कंपनी कौन है, आपके साथ कौन है। मैं आपको मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुंह पे मैं बताऊंगा, आप लोग मुझे बहुत फिट बंदे लगे हैं, ठीक है, मजे के लोग लगे, मतलब मैं मुंह वाली बात नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी जगह होती है वो कंपनी से होती है, तो भाई आपका जहाँ भी एडमिशन होता है ना, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें, आपको वो जगह ऑटोमेटिकली अच्छी लग जाएगी। ये मेरा फाइनल रिव्यू था, आप लोगों का कुछ है शिकवा है कोई तो बताएं, कोई बुरी बात यहाँ की हो तो बताएं। फ्यूचर में इंशाल्लाह आप दोबारा आए। अच्छा दिल से कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। और एक और बात कि कोई बुरी बात भी तो है ना, हमें अच्छा यही बताइए, बुराइयाँ भी होती हैं, कोई बुरी बात है यहाँ? ये थोड़ा सा बस का इशू है, बस का इशू है, बस का मानते हैं, बस का इशू है। और मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट में भी थोड़े से वीक है, मतलब आई थिंक हर यूनिवर्सिटी में होता है, पूरे पाकिस्तान में होता है सर। तो भाई रेटिंग वाली जो बात है, जो हमारा रेटिंग कैलकुलेटर है उसके हिसाब से हम फवास इधर जोर लगा के फवास को नंबर देंगे 8 out of 10। तो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो मज़ा आएगा आपको, मतलब पढ़ाई के एतबार, पढ़ाई कम पूछा नहीं, एतबार से अच्छी है, पढ़ाई के लिहाज से मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, क्यों अच्छी है, अच्छी है पढ़ाई के लिहाज से। वो तो हम आखिर में पूछने, पहले पूछना था, अच्छी है, अच्छी है, ओके, रीज़न है ना, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के ये सूटेबल है हर स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल कम ले, ठीक है। हाँ मतलब क्लासेस जो लोग छोड़ते हैं उनका भी अटेंडेंस पूरी हो जाती है, इस वजह से ये हम जैसे लोगों के लिए सूटेबल है, सही है, ठीक है। खैर ये थी फवास यूनिवर्सिटी, ठीक है। और भाई मिलेंगे आपके साथ इस तरह की एक और वीडियो में, अगर आप चाहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की हम वीडियो बनाएं तो यू कैन मैसेज मी, और आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी आए, हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी घुमाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर उर्दू में बता देते हैं, पागे नहीं आती, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना अच्छे से बिहेव किया, और आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी में आपको इन्विटेशन है, बाकी वहाँ एंट्री का मसला है लेकिन हम आपको जुगाड़ से करा देंगे, ठीक है। कार्ड है, हमारे पास कार्ड है, हमारे पास पक्के कार्ड है, देखिए ये मामलाती लोग हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप चाहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाएं तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सारा, ठीक है। और बाय द वे इन लोगों को सब्सक्राइब करें, इन दोनों का चैनल होगा द हिजाबी क्रू, ठीक है, और वो सारा डिस्क्रिप्शन में होगा, और आपका भी चैनल है वो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो नाम लेने क्या हो गया, ये प्यारे नहीं है, आपने इनका नाम नहीं, मेरे चैनल का नाम नहीं पता ना अभी मैंने, सॉरी मैं फिर तजम्मुल कह रहा हूँ पहले भी, सॉरी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ है ना, अल्लाह हाफिज़।